सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। तो यार अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम बेसिक बेसिक रिएक्ट की काफ़ी थ्योरी कवर कर चुके हैं, साथ के साथ हमें एक अपना प्रोजेक्ट भी निकाल चुके हैं मूवीज़ ऐप, जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो आई होप आप सब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे एंड आपको बनाने में बड़ा मज़ा आया होगा। सो यार अब क्या करने वाले हैं, अब हम अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं वो क्लास कॉम्पोनेंट की करी, अब हम शिफ्ट करेंगे फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स की। एंड कुछ एक नई चीज़ आई थी हुक्स नाम की, जिसकी वजह से फंक्शनल कंपोनेंट्स भी अब क्लास को कंपेयर करते हैं, उससे भी हम डायनामिक यूआई वगैरह बना सकते हैं। तो आज उसकी बातें करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधा चलते हैं पहले ओपन बोर्ड पे एंड थोड़ा देखते हैं क्या हुआ। आज हम बात करने वाले हैं हुक्स की। तो यार कुछ एक वर्जन था, 16.8 था शायद, मुझे नहीं पता, यही था शायद। तो उसमें क्या हुआ, हुक्स निकाला रिएक्ट ने, हुक्स की बात अभी करते हैं। पहले क्या था, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हम स्टैटिक यूआई के लिए फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करते थे, फंक्शनल कंपोनेंट, एंड डायनेमिक के लिए, इंटरैक्टिव के लिए क्लास कंपोनेंट को। इसका रीज़न क्या था, सिंपल सा रीज़न था भाई, क्लास में हम स्टेट्स बना सकते हैं, इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट में हम कोई स्टेट नहीं बना सकते, तो ये रीज़न था मेन। बट अगर जब स्टैटिक यूआई हमें बनाना होता तो कोई स्टेट नहीं चाहिए, तो यार इसका कोड बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती, सीधे एक फंक्शन बनाओ रिटर्न करो, तो तब हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करते थे। आफ्टर हुक्स अब हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स जो हमने देखे थे, लाइफ साइकिल मेथड्स लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद हमने देखे थे, वो अब इसमें आ चुके हैं। कैसे आए हैं, हुक्स की मदद से आए हैं। तो अब क्या हो गया है, जो मेजर जनता है ना रिएक्ट वाली, वो शिफ्ट कर चुकी है फंक्शनल कंपोनेंट पे। क्यों यार, हमने पहले बात करी है कि यार कोड करना इसमें आसान है, कोई बॉयलर प्लेट कोड नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, क्लास बनानी है, फिर कंस्ट्रक्टर बनाना है, फिर यहाँ पे हमें दिस की भी दिक्कत होती थी, दिस का हमें ध्यान रखना पड़ता था कि जब भी हम फंक्शंस इवेंट हैंडलर्स बना रहे हैं तो उसमें एरो फंक्शन यूज़ करो, कोई भी स्टेट चेंजिंग फंक्शन बना रहे हैं उसमें हमें एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ता था, हमें हर जगह दिस का ध्यान रखना पड़ता था, क्लास का दिस। यहाँ पे वो सब दिक्कतें नहीं है, यहाँ पे कोई बॉयलर प्लेट कोड नहीं है, इसलिए वो जो इसकी दिक्कतें थी, जो स्टेट वगैरह की दिक्कत थी, वो हुक्स ने पूरी कर दी। तो अब हम सीखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट से कैसे काम करते हैं, उससे पहले आज हम सीखेंगे हुक्स। तो बेसिकली यार दो हुक्स थे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो हुक्स की बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले यूज स्टेट देखते हैं, यूज स्टेट दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट आ चुकी हैं। उससे पहले थोड़ी सी डिफाइन इसकी देखें, तो रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, या ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज़ अ हुक, हुक्स आर फंक्शंस दैट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स। फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स ऐड कर देता है क्या, आपका हुक। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने देखा यूज स्टेट हुक और यूज इफेक्ट हुक, कुछ दो टर्म्स हैं, अब उनको हम देखेंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये चार आर्टिकल्स, इन चारों के मैं लिंक डाल दूंगा फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, फॉर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चार आर्टिकल्स की आप रीडिंग कर सकते हो। तो यहाँ चलते हैं नया फोल्डर हुक्स। अच्छा यहाँ पे वही npx create react app, अलग से आप बना लेते हैं ताकि आपको कोड कभी फ्यूचर में रेफर करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा वेट करते हैं, हाँ जी तो ऐप बन गई है, स्टार्ट करते हैं, इसे हम स्टार्ट कर देते हैं तब तक।
सबसे पहले जाएंगे सर्वर में, यहाँ पे डिफ से लेकर डिफ तक क्लीन, ये स्टेप्स हर बार ही फॉलो करने, एंड इंडेक्स डॉट जी एस में से स्ट्रिक्ट मोड रिमूव। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाते हैं, पहला हम कुछ पढ़ने वाले हैं यूज स्टेट, यूएस कहते हैं। अब हमें चाहिए क्लास, क्लास कंपोनेंट नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट। ये आ गया एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब हमें क्या चाहिए, यूज स्टेट, वो कहाँ से मिलता है, रिएक्ट से ही मिलता है यूज स्टेट। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, एक H1, करंट काउंट, बटन। तो यूज स्टेट को यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, एक एरे बनाएंगे, एरे के अंदर पहला हमारा वेरिएबल नेम, क्या हम स्टेट बनाना चाहते हैं, काउंट की मेरे को स्टेट बनानी है, दूसरा सेट काउंट इक्वल्स यूज स्टेट, एंड यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू आने वाली मैं 0 कहता हूँ। ये क्या करा यार, एरे में ऐसे ही बनाना है हमेशा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी, पहला क्या है आपका वेरिएबल जो आपको स्टेट बनानी है, ये स्टेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा क्या है आपका सेटर फंक्शन, जैसे वहाँ पे सेट स्टेट था पूरी स्टेट को सेट करने के लिए, यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे कि जब भी मुझे काउंट में चेंज करना है मैं सेट काउंट में चेंज करूँगा, और ये क्या है इनिशियल वैल्यू की, इनिशियल वैल्यू काउंट की क्या होने वाली है, 0। सही है, ये सिंटैक्स है, याद करेंगे, मतलब समझना है, पहला स्टेट का नाम, दूसरा स्टेट चेंजिंग फंक्शन, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, ठीक है, बस यही तीन चीज़ें, बटन। अब क्या करना है, वही पुराना काम, ऑन क्लिक, सेट काउंट, काउंट प्लस 1। ठीक है, ये हमने कुछ बनाया है, ऐप डॉट जेएस में से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं, करंट काउंट 0, प्लस करा 1 2, चेंज हो रहा है, ये चेंज ही हो रहा है यार, ये सेम प्रॉपर्टी जो हमारी क्लास वाली थी, स्टेट चेंज होगी तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, यहाँ पे स्टेट चेंज करी वो री रेंडर हुआ, उसने काउंट का देखा कि भाई वैल्यू अपडेट हो चुकी है, हमको 1 प्रिंट करना है। अब यहाँ पे चलते हैं, यूएस का कोई कंपोनेंट हमारा, ये स्टेट अभी के लिए 0, मैंने प्लस 1 करा, यहाँ पे हो गई 1 अपडेट हो गई, प्लस 2 करा वो 2 हो गई, और वो यहाँ पे स्टेट में भी दिख रही है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे स्टेट ये दिख रही है और वो अपडेट भी हो रही है, और उसके अपडेट होने पे रेंडर भी हो रहा है, यही हमारा काम था जो कि हो चुका है। तो यूज स्टेट से क्या होता है, ये था यूज स्टेट, बस इतना सही है, यूज्ड फॉर डिफाइनिंग स्टेट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट, सिंपल सा काम, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जब भी कोई स्टेट चाहिए तो यूज स्टेट यूज होगा, बस। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ लेना है, लेट से दूसरी मैंने स्टेट बनाई OBJ, इसका सेटर फंक्शन का नाम है सेट OBJ, यूज स्टेट
यहाँ पे मैसेज हेलो, ऑल राइट। ये भी एक सेट स्टेट है, ये भी एक यू स्टेट है, एंड इसके अंदर जो इसको सेट करेगा ऑब्जेक्ट को, वो सेट ओबीजे करने वाला है, एंड ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्टेट का नाम है ओबीजे। तो यहाँ पे हम जो चाहे वो स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, एरे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग हो, जो हमें चाहिए। अब क्या करते हैं, कुछ H2 डालते हैं, एंड यहाँ पे OBJ डॉट मैसेज, अब अगर मैं देखूँ हेलो आ गया, स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे दो स्टेट आ गई, पहला कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर रखी है जीरो की, एंड दूसरे में कुछ हेलो स्टोर कर रखा है एज मैसेज प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये था छोटा सा यू स्टेट। यू स्टेट का क्या काम है, फंक्शनल कॉम्पोनेंट में स्टेट प्रोवाइड करना, बस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बात हमने क्या करी थी, यूज़ इफेक्ट। यूज़ स्टेट हमारा डन, बस इतना ही है, यूज़ इफेक्ट। तो जब हम डेफिनेशन पे गए थे ना, हमने हुक्स की डेफिनेशन देखी थी, तो वहाँ पे दो वर्ड्स थे, स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स। स्टेट देख लिया, ये बचा है, तो यूज अफेक्ट। ये क्या करता है, हमारे तीन मेथड्स हमने देखे थे कहाँ पे, क्लास कंपोनेंट में, कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है, जब हमारा डोम पे कंपोनेंट लग चुका है। दूसरा कंपोनेंट डिड अपडेट, ये जब स्टेट चेंज होती है, रीरेंडर होता है, उसके बाद जब चलता है। एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो यूज इफेक्ट से ये तीन जो हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स थे, किसके, क्लास कंपोनेंट के, ये क्लास कंपोनेंट के मेथड्स हैं। अब इनको हम यूज इफेक्ट की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, ऐसे देखते हैं कैसे काम करता है। अच्छा, जैसा हमारा हमने क्लास कंपोनेंट में बात करी थी, ये फंक्शन, ये हमारे रेंडर के बाद चलते हैं, वैसे ही एज अ फैक्ट या एज अ रूल याद कर लो, रेंडर के बाद चलेगा रेंडर के बाद चलेगा यूज इफेक्ट। हमेशा जो यूज इफेक्ट वाले फंक्शंस हैं, जो भी हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, वो हमेशा रेंडर के बाद चलेंगे। रेंडर का मतलब क्या है, जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में क्या हो रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसके बाद चलेगा, रिटर्न करने के बाद जब यूआई लग जाएगा, उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना, क्या है यूज़ इफेक्ट, यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे। अच्छा, यूज़ इफेक्ट के यार कई सारे वेरिएशंस होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। यूज़ इफेक्ट 1.js, यहाँ पे गए RCFE, फंक्शनल कंपोनेंट हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट। एक फिर से वो स्टेट बनाते काउंट की, जिसमें अभी के लिए वैल्यू है जीरो, एंड एक H1,
एंड फिर से वही एक बटन, बटन के ऑन क्लिक पे उसका सेटर फंक्शन। अच्छा यहाँ पे भी हमें एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसको समझो, अगर मैं सीधा यहाँ पे सेट काउंट कर दूँगा, सेट काउंट कर दूँ मैं काउंट प्लस वन से, तो इससे क्या हो जाएगा, जब वो जब हमारा ये कंपोनेंट रीड हो रहा होगा ना, जब वो डॉम पे लगने के लिए रीड हो रहा होगा कि ऑन क्लिक पे अच्छा मुझे ये कुछ करना है, तो एक करते रीड करते करते कॉल लगा देगा और हमारा पहले ही वैल्यू प्लस वन हो जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें फंक्शन डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ऐसे पास करा तो ये एक फंक्शन डेफिनेशन बन गई पूरी। अब हमारा पहले से इंक्रीमेंट होके नहीं आने वाला ये प्लस वन। अब इसे क्या करते हैं, ऐप डॉट जे एस में रिक्वायर करेंगे अपना इम्पोर्ट। इसे हटाओ, ये हो गया हमारा पुराने वाला काम पूरा हो गया, वैल्यू पे अपडेट हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं यूज़ इफ़ेक्ट पे। तो यूज़ इफ़ेक्ट कैसे लिखते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट, इसके अंदर एक एरो फंक्शन एंड यहाँ पे ऑप्शनल डिपेंडेंसी एरे, उसका क्या काम होता है अभी देखते हैं। अच्छा अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला मैंने, यहाँ पे मैं एक एरे डाल सकता हूँ बट अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंसोल लॉग यूज़ इफ़ेक्ट एंड मैं क्या कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल ये मैं डॉक्यूमेंट चेंज कर रहा हूँ जब भी मैं बटन क्लिक करूँगा तो। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं कि यहाँ से रेंडर स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल पे चलते हैं। तो अरे यहाँ पे हमने देखा ये सब छोड़ो, इसको देखो, पहले रेंडर आया फिर यूज़ इफ़ेक्ट आया, जैसे कि मैंने बोला था पहले रेंडर चलेगा उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या चला है, कंपोनेंट डिड माउंट चला है हमने। अगर मैं देखा हूँ कि पहले रेंडर हुआ उसके बाद कोई फंक्शन चला है तो वो कौन सा फंक्शन है, कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, चलो प्लस करा, री रेंडर हुआ और फिर से यूज़ इफ़ेक्ट चला और हमारा टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया ये। फिर प्लस करा, पहले रेंडर चला फिर यूज़ इफ़ेक्ट चला एंड यहाँ पे हमारा टाइटल अपडेट हो गया ये। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये वाला यूज़ इफ़ेक्ट पहले कब चला, कंपोनेंट डिड माउंट की तरह, कंपोनेंट डिड माउंट रेंडर के बाद चल गया और फिर जब भी हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तब भी चल रहा है। तो इसका मतलब कंपोनेंट डिड अपडेट की तरह भी चल रहा है। तो यार ये होता है हमारा यूज़ इफ़ेक्ट वेरिएशन वन, जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करते। यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ इफ़ेक्ट लिखा, इसके अंदर एक एरो फंक्शन एंड उसे डायरेक्ट बंद कर दिया, यहाँ पे अपना जो भी काम करना है वो कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन ये वर्क करता है एज अ कॉम्पोनेंट डिड माउंट प्लस कॉम्पोनेंट डिड अपडेट, मतलब पहली बार जब कॉम्पोनेंट लगा तब ये चलेगा और जब भी स्टेट चेंज होगी, इस कॉम्पोनेंट की जो भी स्टेट होगी कोई भी चेंज होगी तो ये तब भी चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन जहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और ये वर्क कर रहा है कॉम्पोनेंटेड माउंट प्लस कॉम्पोनेंटेड अपडेट की तरह। ठीक है, तो इससे हुआ क्या यार, जो हम साइड इफ़ेक्ट्स वाले काम थे, जो हम क्लास कॉम्पोनेंट में हमने देखा था API कॉल्स वगैरह, हम कॉम्पोनेंटेड माउंट वाले मेथड में कर रहे थे। अब पहले हमारे पास अभी तक कोई जगह नहीं थी, हम कहाँ करते। अब यूज़ इफ़ेक्ट के आने के बाद वो जगह हमारे पास क्रिएट हो गई,
अब मेरे को कोई भी API कॉल करनी है या साइड इफेक्ट वाला काम करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ साइड इफेक्ट वाला वर्क, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं कर सकता हूँ। पहले मैं कहाँ करता, कोई जगह मेरे पे डिफाइंड नहीं थी, अब यूज़ इफेक्ट के आने से मेरे पास लाइफ साइकिल मेथड्स भी आ गए। दो मेथड मैंने देखा यहाँ पे चल रहे हैं, कॉम्पोनेंट इड माउंट और कॉम्पोनेंट इड अपडेट। ठीक है, ये थी फर्स्ट वेरिएशन। अब देखते हैं सेकेंड वेरिएशन। एक सेकेंड, हाँ जी सेकेंड वेरिएशन। इसी को कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, मोस्टली सेम काम होने वाला है हमारा। अब क्या करेंगे, सेम काम बट यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर दिया। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पहले ऐसे था, अब यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बस। अब क्या होता है, अब क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सेम वही फंक्शन है, कॉपी पेस्ट करा आपके सामने, कुछ चेंज नहीं करा, बस वहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे डाला है। ये हो गया यूज़ इफेक्ट टू, अच्छा वो एक्सपोर्ट ही वही कर रहे हैं, तो अभी शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पे सेकंड वेरिएशन को अटैच कराओ, रिफ्रेश हो गया, चेक करते हैं। रेंडर चला, यूज इफेक्ट चला, ये हमें पता चलने वाला था। ठीक है, प्लस वन करा, रेंडर चला है, ये टाइटल भी अपडेट नहीं हुआ। फिर प्लस वन करता हूँ, रेंडर चला, टाइटल अपडेट नहीं हुआ। फिर प्लस वन करा, मैं रेंडर चल रहा है जितनी बार मैं प्लस वन कर रहा हूँ, बट ये टाइटल जो है ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, पहली बार यूज़ इफेक्ट चला, ये कब चलता है, मतलब रेंडर होने के जस्ट बाद। तो ये कौन सा वाला हमारा फंक्शन हो गया, कॉम्पोनेंट डिड माउंट। तो कॉम्पोनेंट डिड माउंट ये हमारा है सेकंड वेरिएशन, ये चलता है कॉम्पोनेंट डिड माउंट की तरह। इसमें हमने क्या करा, यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, यहाँ पे कॉमा मार के एक एम्प्टी एरे बस। ये हो गया सेकेंड वेरिएशन। इस ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, सिर्फ कॉम्पोनेंट इन माउंट की तरह। इसको चलाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करना है। ठीक है, सही है जी, सेकेंड वेरिएशन भी देख लिया हमने, आसान था। तो अलग अलग वेरिएशंस क्या है यार, हम इसने अलग अलग मेथड्स हमें अलग अलग वेरिएशन में दे दिए एक ही फंक्शन में, तो हमें जब जोन सा यूज़ करना है उस हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। अब थर्ड वेरिएशन से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे सोचो, इसे कॉपी करके यहाँ लाते हैं। ये वाला यूज़ इफेक्ट हमेशा चलेगा जब भी मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहीं पे सेट काउंट कर दूँगा, लेट से 100, तो यहाँ पे इन्फिनाइट लूप लगेगा। पहले मैंने क्या करा, रेंडर के बाद यूज़ इफेक्ट चलेगा, यूज़ इफेक्ट ने क्या करा, स्टेट चेंज करी, फिर वो रेंडर होगा, फिर यूज़ इफेक्ट, फिर रेंडर, क्या यहाँ पे इन्फिनाइट लूप लगेगा? एक बार पॉज लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा इन्फिनाइट लूप नहीं लगेगा। हमने अभी मैं दिखाता हूँ, इम्पोर्ट इन्फिनाइट हाँ जी, यहाँ देखो रेंडर हुआ, यूज़ इफेक्ट चला, उसने स्टेट चेंज करी, फिर यूज इफेक्ट चला, फिर एंडर चला। इन्फिनाइट लूप नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चला रुक गया। क्यों यार, जब वो दूसरी बार आएगा ना यहाँ पे, जब वो दूसरी बार आएगा सेट काउंट करेगा 100,
वो देखेगा पहले भी मेरी 100 ही थी, ये क्या है, मेरा एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कोई ऑब्जेक्ट की एरे नहीं है। वो देखेगा कि पहले भी 100 था, अब भी 100 है, ये वैल्यूज़ कहाँ बनेंगी, स्टैक में बनेंगी, हीप में नहीं बनेंगी। तो वो कंपेयर करेगा कि स्टेट चेंज नहीं हुआ है, रुक जाओ, इसलिए यहाँ पे इन्फिनेट लूप नहीं लगा। बट अगर लेट नम अब ये मैंने कोई रैंडम नंबर मंगवा लिया एंड अब मैं उसे सेट कराता हूँ, कुछ लिखने में गलती करी क्या? हाँ जी, ये है इन्फिनाइट लूप, ये लोड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, रेंडर यूज़ इफेक्ट, फिर रेंडर, फिर यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है क्या कि भाई जब भी हम ऐसा यूज़ इफेक्ट लगा रहे हैं जो हमारी स्टेट चेंज के ऊपर री रेंडर हो, मतलब स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब यूज़ इफेक्ट वो वाला है जो कॉम्पोनेंट डिड अपडेट की तरह चल रहा है, तो हम इसके अंदर सेट स्टेट नहीं करेंगे वरना इन्फिनाइट लूप लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड वेरिएशन की ओर। थर्ड वेरिएशन में भी इसी को काट के लाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, काउंट कॉन्स टेक्स्ट ये क्या है, एक दूसरी स्टेट बनाई मैंने टेक्स्ट की जहाँ पे क्या है अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग टेक्स्ट टाइप का जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, टेक्स्ट के। वहाँ पे हम अगर क्लास कंपोनेंट में करते हैं तो दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे सीधा टेक्स्ट ऑन चेंज एंड ऑन चेंज के अंदर सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये काम तो हम कर चुके हैं कई बार। ई कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड वेरिएशन, इसको ऐप में लगाएंगे अपनी। चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन करा, रेंडर हुआ एंड यूज़ इफेक्ट नहीं चला। ओके, यूज़ इफेक्ट हमें चेंज करना है, हमने थर्ड वेरिएशन तो देखी ही नहीं। इसको फर्स्ट वेरिएशन अभी फर्स्ट की तरह कॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉम्पोनेंटेड माउंट वाला कर रखा था, अब कॉम्पोनेंटेड माउंट प्लस कॉम्पोनेंटेड अपडेट वाला कर दिया। एक बार रेंडर आया, यूज़ इफेक्ट आया, सही है। प्लस वन करा, रेंडर आया, यूज़ इफेक्ट आया, टाइटल अपडेट हो गया जो कि कहाँ हो रहा है, यूज़ इफेक्ट में हो रहा है। इसे चेंज करा, रेंडर आया, यूज़ इफेक्ट आया, पर यूज़ इफेक्ट में अब भी हमारी काउंट की स्टेट वन ही थी, ये वन है तो यहाँ पे वन ही है। ठीक है, कुछ और अपडेट करते हैं। तो यार मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं इनपुट टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को यूज़ इफेक्ट कॉल कराने का फ़ायदा क्या है, मेरा काउंट तो वन ही है तो यहाँ पे तो कुछ अपडेट होना नहीं है, तो यूज़ इफेक्ट तब मैं कॉल क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आता है थर्ड हमारा वेरिएशन, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे एरे के अंदर जिस स्टेट के चेंज पे आपको इस फंक्शन को कॉल करना है वो प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं कह रहा हूँ, जब काउंट चेंज होगा सिर्फ तभी तुझे तभी इस यूज इफेक्ट को चलना है। तो वहाँ पे काउंट डाला, मैंने काउंट करा, यूज़ इफेक्ट चला, टाइटल अपडेट हुआ। दोबारा करता हूँ, यूज़ इफेक्ट चला, अपडेट हुआ। बट अब मैं जब भी यहाँ पे कुछ डालूँगा री रेंडर होगा मगर यूज़ इफेक्ट नहीं चला। तो ये थी आपकी थर्ड वेरिएशन। तो हमने क्या देखा, यूज़ स्टेट, ये क्या करता है, हमारा स्टेट
डालता है फंक्शनल कंपोनेंट में, जो कि पहले नहीं था। ये क्या है? एक हुक है। ये जो यूज से स्टार्ट होते हैं ये, इन्हें हुक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया हमारे उसमें पिक्चर में यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या करता है? लाइफ साइकिल मेथड्स को लेके आता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। पहले हमने देखा कुछ भी नहीं डाला, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, एरे बनाया ही नहीं है। तो ये किसके तरह वर्क कर रहा है? कॉम्पोनेंटेड माउंट प्लस कॉम्पोनेंटेड अपडेट सेकेंड वेरिएशन। यहाँ पे एम्प्टी एरे बना दिया, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? कॉम्पोनेंटेड माउंट की तरह। ये हमने देखा कि भाई यहाँ पे आप फर्स्ट वाले वेरिएशन में ही अगर कुछ अपडेट करते रहोगे तो इन्फिनाइट लूप लगने वाला है। एंड थर्ड वेरिएशन हमने देखा, यहाँ पे अगर हम कोई स्टेट प्रोवाइड कर दे तो ये चलेगा उस स्टेट के कॉम्पोनेंटेड अपडेट पे, सिर्फ उसी स्टेट के। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक जाते जाते एक ना जल्दी से एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट को ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैसेज डाला एंड ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये वैल्यू क्या ले रहा है? डॉट मैसेज। एंड इसकी जगह एक फंक्शन लिखते हैं चेंज टेक्स्ट, जिसके अंदर हम ई पास कर रहे हैं। ई कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। एंड इस चेंज टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, ये क्या करने वाला है? हमारे टेक्स्ट में चेंज करने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइन नंबर 12 में से ये नहीं मिला। ये से डिफाइन कर दिया हमने। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को इसमें टेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में चेंज कराना है। तो क्या होने वाला है कि टेक्स्ट डॉट मैसेज इक्वल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एंड यहाँ से कंसोल लॉक करा लेते हैं अपना ये txt। तो अभी क्या देखते हैं, एक बार ना कंपोनेंट्स पे जाते हैं। मैं UE3 पे गया, यहाँ पे चेंज करा, मैं दबा रहा हूँ कि ASFGH, मैंने दबाया बट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। कंसोल पे चलते हैं, यहाँ पे वो आ रही है कीज़। तो यार ये क्या हुआ? हमने बात करी थी पहले हम इम्यूटेबल चेंजेस करते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू अपडेट कर दी, तो हमारे रिएक्ट को पता ही नहीं चला कि भाई वैल्यू अपडेट हुई है। अगर मैं इसकी जगह सेट टेक्स्ट करूं, या इसको ऐसे भी देखते हैं कि मैंने इसमें चेंज करा और सेट टेक्स्ट कर दिया ये, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी तो अब भी चलना चाहिए। अब अगर मैं देखूं, मैं वैल्यू की प्रेस कर रहा हूँ ये, पर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यार अभी एड्रेस चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब चल रहा है। जब मैंने स्प्रेड करा के भेजा तो यार नया एड्रेस मिल गया, इस वजह से अब उससे पता चला कि यार स्टेट में चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे हीप्स में बनते हैं, वो स्टैक में सिर्फ एड्रेस पकड़ के बैठा है। एड्रेस उसने चेक करा कि पहले भी यही था, अब भी यही है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मैंने नया एड्रेस प्रोवाइड करा तब उसे पता चला चेंज हुआ है एंड मुझे रीरेंडर करना है। तो इसलिए हम चेंजेस करते हैं, इम्यूटेबल चेंजेस करते हैं। इसकी बात पहले कर रही थी पर आज प्रूफ भी दे दिया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।